अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम शेयरिंग टू अनस्टिच्ड ड्रेसेस, एक है बारूक और दूसरा है कमल मलिक का मोस्ट हिट कोट। बारूक का भी अभी नया नया ये कलेक्शन लॉन्च हुआ है, प्राइस इसकी 10,000 है और कमल मलिक की प्राइस है 11,900, अनस्टिच की प्राइस है ये। लेट्स सी दिस वन। अच्छा जी, प्रिंटेड फैब्रिक है ये और दामन के ऊपर जो है एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है। लेंथ इसकी बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होगी, बट मेरा ख्याल है ये इन्होंने इसके नीचे जो है एक और लेस भी लगाई हुई है। उसके बाद इसका एम्ब्रॉयडर्ड गला है जो कि एप्लिक होगा। उसके बाद इसकी हैं स्लीव्स। अगर ये फैब्रिक देखा जाए खाली, तो ये फैब्रिक तो बहुत ही नॉर्मल जो मार्केट में बहुत ही सस्ता मिलता है वैसा है, बट ये कि बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन और जिस तरीके से बॉर्डर्स बने हुए, ये उसको मतलब डिज़ाइनर ड्रेस है ये। अदरवाइज फैब्रिक इज मतलब नॉर्मल, लेकिन खैर एक तरह से अच्छा है कि बहुत पैचेज एंड उस तरह वाला भी नहीं है, नॉर्मल कैजुअल वेयर है, मतलब कैजुअल से थोड़ा दावत वगैरह पे पहनने का। और ये स्लीव्स हैं, स्लीव्स के ऊपर भी बॉर्डर जो है वो बना हुआ है। उसके बाद ये है इसका बैक, ये जिनका है उन्होंने मुझे कहना है कि आप कहना क्या चाह रही हैं कि अच्छा है कि नहीं अच्छा। प्रिंट इसका अच्छा है, कलर जिस तरीके से पिक्चर में दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही है। अच्छा, एक चीज़ मैंने शायद नोटिस नहीं की थी कि इसके ऊपर बर्ड बना हुआ है। बर्ड है कि नहीं है? हाँ, बर्ड बना हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो है इसका प्लेन कॉटन का ट्राउज़र है और फिर है इसका दुपट्टा सिल्क शिफॉन टाइप का। ये अच्छा प्यारा दुपट्टा है, प्यारा तो खैर वो भी है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि मतलब बहुत लाइक फैब्रिक जो लॉन है मतलब वो नॉर्मल ही है। अच्छा, ये दुपट्टा है, इसके लॉन्ग साइड पे इसके बॉर्डर्स बने हुए हैं, सिंपल जस्ट पलटा होगा, थिन सी एक लेस लगी हुई और ये इसके पल्लों के बॉर्डर हैं। सो दैट्स इट, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। थिन का ये है कि मैं ज़रा देख लूँ, ये वैसे तो प्रिंट, हाँ इसमें होल्स हैं एक्चुअली, तो इसमें जो दो लाइनिंग लगेगी विदाउट एनी कन्फ्यूजन। लेट्स सी अदर वन। ओके, इसके शर्ट एंड पैंट दोनों का जो है एक ही फैब्रिक है और ये काफ़ी खूबसूरत सा फैब्रिक है। उसके बाद फिर इसके पैचेस जो हैं वो बहुत सारे हैं। ये है इसका दामन का बॉर्डर। अच्छा, ये फैब्रिक मुझे जो है वो लग रहा है, इसके ऊपर इन्होंने मेंशन भी नहीं किया, वही लग रहा है मुझे स्विस टाइप का, तो स्विस में तो लाइनिंग जो है वो लाजमी चाहिए होती है। ये आई एम श्योर दुपट्टे का, इसके बहुत सारे एक्चुअली पैचेस हैं। अच्छा, ये है इसका एम्ब्रॉयडर्ड गला फ्रंट का और लेट मी सी क्या चीज़ है। अच्छा जी, ये जो गले का स्टाइल बना हुआ, ये गला नहीं है, ये स्लीव्स गए हैं और बिल्कुल ये गले जैसा जो है उसका डिज़ाइन बना, तो ये स्लीव्स गए हैं। स्लीव्स के एज पर जो है कोई क्रोशिया लेस लगी हुई है। उसके बाद ये हैं दो छोटे छोटे बॉर्डर्स, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ गए। अच्छा जी, एडवांस में माजरत कि हमें जो है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली। ये स्लीव्स के एज पर बॉर्डर लगा हुआ है, ये वाला थिन वाला। उसके बाद ये जो है ये गले के अंदर लगा हुआ है और ये दो बॉर्डर्स हैं जो कि समझ में नहीं आ रहा। एक इस स्लीव के इस साइड पे लगा हुआ है जो कि ये लग रहा है और ये कहीं पर मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है, माजरत के साथ। अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ ज़रूर बताएँ। और उसके बाद फिर ये एक और है, ये भी कहीं पर नज़र नहीं आ रहा और इसके ऊपर कोई डिस्क्रिप्शन मेंशन नहीं आता, तो उसकी वेबसाइट पे पढ़ा जाए कि ये कहाँ के है ना। उसके बाद है इसका दुपट्टा ऑर्गेन्जा का जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ऑर्गेन्जा के दुपट्टे को कैरी करना मुश्किल होता है पर्सनली मुझे, अगर पहनने हो तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन ये कि खूबसूरत होते हैं और मोस्टली डिज़ाइनर्स भी बनाते हैं ऑर्गेन्जा के दुपट्टे। तो ये फुली एम्ब्रॉयडर्ड है और ये 10,000 का जोड़ा है, तो इसमें जो है इसका सारा जो मेहनत है उसके दुपट्टे उसके ऊपर है, दुपट्टे के ऊपर है। अच्छा, ये सिल्क का बॉर्डर है, दुपट्टे के ऊपर लगना है और फिर सिल्क के ये इसके पल्लू के बॉर्डर्स हैं। हाँ, सिल्क का ये लग के और इसके ऊपर जो है ये वाले बॉर्डर लगने हैं और लॉन्ग साइड पे इसके कोई बॉर्डर नहीं है, उन्होंने फिनिशिंग करके और वाइट कुछ लगाया हुआ है। सो दैट्स इट। ये इतना कुछ खास कॉम्प्लिकेटेड मतलब एज सच तो नहीं है, लेकिन ये कि थोड़े पैचेस जो
कुछ जो समझ में नहीं आ रहे हैं दुपट्टे के भी थोड़े हैं, बट ये कि वैसे ओवरऑल जो है इसका प्रिंट एंड कलर और जो है ये देखने में काफ़ी खूबसूरत है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। बाकी आप सबको कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।